सो कैसे हो गाइस, आज हम लोग हैं वैष्णो देवी में और अभी मैं सो के उठ चुका हूँ। और अभी हम लोग ने होटल में स्टे किया था, एक भी होटल नहीं मिल रहा था, फाइनली ये होटल मिला ठीक ठाक। तो अभी अपन जाने वाले हैं मंदिर की चढ़ाई करने, और मंदिर का जस्ट यहीं से व्यू है तो वो चलते हैं। और अभी मेरे फेस को इग्नोर करना बिकॉज अभी मैं सो के वगैरह उठा हूँ, तो इग्नोर करना। और चलो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में जय माता दी लिख दो। चलो चलते हैं वैष्णो देवी की चढ़ाई करने कंप्लीट। तो हम लोग 12-13 जाने और हम लोग ट्रेन से आए थे। बाकी मैं इस जो होटल का यहाँ पे नेम लिख दूंगा तो आप लोग एक बार चेक कर लेना, बढ़िया होटल लगा मेरे को। तो चलो चलते हैं, और सामने ही मैंने आपको व्यू दिखा दिया, बहुत अच्छा व्यू। चलो चलते हैं, लेट्स गो, होते हैं रेडी। घोड़े 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 जाने के लिए 16 किलोमीटर चलना है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हुआ मैं बता नहीं सकता, मतलब इसके बाद वहाँ का टेम्परेचर माइनस में पहुँच गया था, इसलिए मैंने ना ही ब्लॉक कर पाया, बस मुझे सर्दी लग रही थी, मैंने ये क्लिप्स डाल दी क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा सर्दी थी वहाँ पे। इस टाइम पे सबकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मतलब इतनी सर्दी थी, माइनस में था टेम्परेचर, तो फिर समझ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग के जो मोबाइल हैं वो लॉकर में रख लिए थे, और अब बस यही फ़ोटो है इससे आप दर्शन कर सकते हैं, तो जय माता दी लिख दो। तो फ्रेंड्स, फाइनली अपन होटल पे पहुंच चुके हैं और अभी तो सोते हैं और सुबह मिलते हैं आप सबको। तो चलो बाय, अभी तो सब सोने वाले हैं, बाय, जय माता दी लिख दो कमेंट में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग कुछ अमेजिंग आने वाला है, उसका वेट करो, और चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कर दो, बाय।